ओम गंगणपतये नमो नमः। बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी महाराज की। भक्त जनों, तीनों लोकों में भगवान गजानन जैसा दयालु और कृपालु कोई नहीं है। इनके अष्ट विनायक रूपों की अनेकानेक गाथाएं वेद पुराणों में वर्णित हैं, परंतु इनके जन्म की गाथा अत्यंत रोचक और परोपकारी है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के बुरे कर्मों का समूल विनाश हो जाता है और वो मनुष्य भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर अंततः भगवान श्री गणेश जी के चरणों में मुक्ति प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की पावन जन्म कथा। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा, भक्तों बड़ी महान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गजानंद भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गजानंद भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा। एक बार की बात है भक्तों, भगवान भोलेनाथ को तप में लीन देखा तो माँ गौरा के मन में स्नान करने का विचार आ गया। उन्होंने अपनी दो सखियों जया और विजया को संग में लिया और स्नान करने हेतु महलों में आ गई। सखियों ने माँ गौरा को उपटन लगाया ही था कि जया के मन में विचार आया, हे सखी, द्वार पर तो कोई पहरेदार है ही नहीं, यदि कोई भीतर आ गया तो सर्वनाश हो जाएगा। माँ गौरा ने मन में विचार किया, शरीर से उपटन उतारा, उसे मानव आकृति प्रदान की और प्राण मंत्र फूंक कर उसमें प्राण भर दिए और देखते देखते एक हस्तपुष्ट बालक उनके सन्मुख था। माँ गौरा ने उस बालक को क्या आदेश दिया, आइए सुनाता हूँ। जाकर द्वार पे बैठो और पहरा दो लगवाए, इतना ध्यान रहे बालक के कोई भीतर ना आ पाए। मैया को प्रणाम किया और द्वार पे आके पधारे, इधर कैलाश पे भोले बाबा गौरा गौरा पुकारे। नंदी ने भोले को बताया, नंदी ने भोले को बताया, मैया गई स्नान है, भक्तों का कल्याण है करते गौरी पुत्र भगवान है, गजानंद भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गजानंद भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा। शिव जी को जब ज्ञात हुआ कि गौरा स्नान करने हेतु महलों को गई है तो वो उनसे मिलने उसी ओर चल दिए। द्वार पर बालक बैठा देखा, परिचय पूछा तो बालक ने बतलाया कि मैं तो अपनी माता का पुत्र हूँ और उनकी आज्ञा से द्वार पर पहरा देता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, मैं गौरा का स्वामी हूँ, और भीतर को जाने लगे। तभी बालक ने उन्हें बीच मार्ग में रोक दिया। यह देखकर नंदी, भृंगी
और अन्य शिव गणों को अत्यंत क्रोध आया और वो बालक से युद्ध करने लगे, परंतु बालक के अधव्य साहस के आगे वे सारे के सारे हार गए। अब शिव शंकर के क्रोध का कोई भी पार नहीं था, और क्रोध में जब भोलेनाथ आते हैं तो क्या क्या हो जाता है, आइए सुनते हैं। नेत्र को खोला शिव ने, हाथ त्रिशूल उठाया है, खींच के बालक पर था मारा, उसका शीश उड़ाया है। माँ गौरा चित्कार मचाती, भवन से बाहर आई है, मेरे लाल को क्यों मारा है, देने लगी दुहाई है, पुत्र को मेरे जीवित कर दो, पुत्र को मेरे जीवित कर दो, वरना सृष्टि शमशान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गौरी पुत्र भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गजानंद भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा। माँ गौरा ने जब कटे हुए शीश का बालक देखा तो चंडी रूप धरकर चीत्कार करने लगी कि यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो सारी सृष्टि को आज शमशान बना दूंगी। भोलेनाथ ने विष्णु जी से आग्रह किया कि जाइए और मार्ग में जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आइए। विष्णु जी मार्ग में गए तो सबसे पहले एक गज बालक उनके सम्मुख पड़ा, उन्हीं का शीश लेकर श्री विष्णु जी वापस आ गए। भोलेनाथ ने मंत्र पढ़कर गज का शीश बालक के कटे धड़ से जोड़ दिया और बालक पुनः जीवित हो गया। चहुं ओर बालक की जय जयकार होने लगी। अब प्रश्न यह था कि बालक का नाम क्या हो, इस पर भोले ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। तुम इन गणों के ईश हो बालक, सो गणेश कहलाओगे, मेरा ये वरदान है तुमको, प्रथम तो पूजे जाओगे, सबसे पहले पूजा तिहारी, सबसे पहले नाम तेरा, भक्तों के हृदय में रहेगा हे गणपति तो वास तेरा, तुम सापकारी ना कोई, तुम सापकारी ना कोई, ये मेरा वरदान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गौरी पुत्र भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गजानंद भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा। भक्तजनों, कैलाश पर्वत पर श्री गणेश के जन्म की धूम मच गई। नंदी को देखो ढोल बजा बजा कर नाच रहा है, भृंगी को देखो सोने का थाल पीट रहा है, शिवगण शंख मंजीरे बजा रहे हैं, तीनों लोकों में भगवान गणेश की जय जयकार हो रही है। ब्रह्मा जी जब गणेश जी का दर्शन करने आए तो उन्हें वेदों का ज्ञान दे दिया, ब्रह्माणी ने स्वर और बुद्धि का ज्ञान दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र की शक्ति, तो माँ लक्ष्मी ने धन धान की वर्षा कर दी। सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्तियों से बालक गणेश को नवाजते जाते, उनके दर्शन करते
और जय जयकार लगाते जाते। आगे आगे क्या लीला होती है भक्तों, आइए बतलाता हूँ। अपने तेज को भक्तों श्री गणेश को सौंप दिया। अग्नि ने ज्वाला मेघों ने वर्षा पवन देव ने वेग दिया। शिव जी के त्रिशूल की शक्ति बाल गणेश में आई थी। माँ दुर्गा की आठ भुजाओं की शक्ति भी समाई थी। हर कोई तुम्हारी जय बोले, हाँ हर कोई तुम्हारी जय बोले। करता तेरा गुणगान है भक्तों का कल्याण है, करते गौरी पुत्र भगवान है, श्री गणेश भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गजानंद भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा। माँ गौरा की प्रसन्नता को तो जैसे पंख ही लग गए थे भक्तों। बार बार अपने लाडले गणेश की बलैया लेती और उनकी नजर उतारती चलती। भाई कार्तिक भी गणेश को देख देख कर अति प्रसन्न हो रहे थे। जिस तरह पूरे कैलाश पर्वत पर भगवान श्री गणेश के आगमन पर प्रसन्नता छा गई थी, ठीक उसी तरह बप्पा मोरिया अपने भक्तों के जीवन में प्रसन्नता हर्षोल्लास यश वैभव कीर्ति और धन धान भर देते हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ सच्चे हृदय से बोलिए, बोलिए गौरी पुत्र देव गजानन गणेश की। जिसने गणपत नाम को ध्याया मोदक भोग चढ़ाया है, आरती चालीसा भी गाई चंदन तिलक लगाया है। उन भक्तों की भवसागर से आपने नैया तारी है। देव गजानन सब भक्तों पे देखो सदा उपकारी है। तीन लोक में देव नहीं है, हाँ तीन लोक में देव नहीं है, इनसा कोई महान है। भक्तों का कल्याण है करते गौरी नंद भगवान है, श्री गणेश भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भक्तों का कल्याण है करते गजानंद भगवान है, गजानंद भगवान है। श्री गणेश के जन्म की गाथा।